जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी लिटरेट मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी बांगर मिट्टी। इसका सही जवाब है ए काली मिट्टी। आपका दूसरा सवाल है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर भारत में, बी पूर्वोत्तर भारत में, सी दक्षिण भारत में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी पूर्वोत्तर भारत में। आपका तीसरा सवाल है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा बी चीन। आपका चौथा सवाल है, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? आपका ऑप्शन है ए ग्रेट बैरियर रीफ, बी साउथ विल्सन, सी बंगाल की खाड़ी, डी मेक्सिको की खाड़ी। इसका सही जवाब होगा डी मेक्सिको की खाड़ी। आपका पांचवा सवाल है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए एवरेस्ट, बी डोराबेटा, सी अन्नामुदाई, डी महेंद्रगिरी। इसका सही जवाब होगा बी डोराबेटा। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका छठा सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू, डी माउस। इसका सही जवाब होगा सी सीपीयू। आपका सातवां सवाल है, किस देश का राष्ट्रगान सबसे लंबा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी ग्रीस, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा बी ग्रीस। आपका आठवां सवाल है, कौन सा जीव जन्म से लेके मृत्यु तक सोता नहीं है? आपका ऑप्शन है ए नेवला, बी सांप, सी चींटी, डी कंगारू। इसका सही जवाब होगा सी चींटी। आपका नौवां सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए बुलबुल, बी चेतक, सी बादल, डी हयग्रीव। इसका सही जवाब होगा बी चेतक। आपका दसवां सवाल है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए कब्ज, बी कैंसर, सी शुगर, डी पथरी। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसका सही जवाब होगा ए कब्ज। आपका ग्यारहवां सवाल है, किस देश ने सबसे पहले रुपए छापना शुरू किया था? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा बी चीन। आपका बारहवां सवाल है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए 15% भाग, बी 25% भाग, सी 30% भाग, डी 50% भाग। इसका सही जवाब होगा डी 50% भाग।
आपका 13वां सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है? आपका ऑप्शन है ए कोयल, बी उल्लू, सी मोर, डी कबूतर। इसका सही जवाब होगा ए कोयल। आपका 14वां सवाल है, फलों की रानी किस फल को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आम को, बी लीची को, सी अंगूर को, डी कटहल को। इसका सही जवाब होगा बी लीची को। आपका 15वां सवाल है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? आपका ऑप्शन है ए कमल का फूल, बी गुलाब का फूल, सी मोगरा का फूल, डी नीलकुरुंजी का फूल। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसका सही जवाब होगा डी नीलकुरुंजी का फूल। आपका 16वां सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? आपका ऑप्शन है ए आलू, बी गोभी, सी पालक, डी टमाटर। इसका सही जवाब होगा ए आलू। आपका 17वां सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? आपका ऑप्शन है ए ऊंट का, बी गाय का, सी हाथी का, डी बकरी का। इसका सही जवाब होगा बी गाय का। आपका 18वां सवाल है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए और भड़काना, बी आग लगाना, सी दुविधा में पड़ना, डी डर जाना। इसका सही जवाब होगा ए और भड़काना। आपका 19वां सवाल है, चाय के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? आपका ऑप्शन है ए बिस्कुट, बी चाउमीन, सी हल्दी, डी समोसा। इसका सही जवाब होगा सी हल्दी। अब यह सवाल आपके लिए, आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। ताजमहल भारत के किस शहर में है? आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी राजस्थान। आपका सही जवाब क्या होगा? आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।